Hi friend, I'm Professor Narayan Nile from Bhagyaved Academy. And today we are going to learn, friend, lesson number first, the French Revolution. Part first उसका देख रहे हैं हम, history का chapter है friend, SST का, class 9 CBSC का. मतलब French में किस प्रकार से revolution start हुआ, friend हमने देखा friend, European Revolution. Europe में revolution start हुआ था, तो सबसे पहला revolution start हुआ था friend French में. तो फ्रेंच ऐसा एक कंट्री है जो लोगों को एक अच्छे राह पे, एक अच्छे रास्ते पे लेके आया, इसलिए थैंक्स टू ऑल फ्रेंच पीपल. तो सबसे पहला रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था फ्रेंड यूरोप में, जिन वो यूरोप में क्या वर्ल्ड में, जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन. आज हम स्टडी कर रहे हैं रिगार्डिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब उस जमाने में उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया था, तब हमें व्हाट इज द वर्ड मीन बाय रिवॉल्यूशन ये भी वर्ड पता नहीं था. ओके, और क्यों रिवॉल्यूशन करते हैं और व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट द रिवॉल्यूशन ये भी पता नहीं था. मतलब सिर्फ मोनार्क्स थे और मोनार्क्स के नीचे सब लोग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे. वहां पे कोई एजुकेशन कुछ भी नहीं था, नथिंग. चलो देखते हैं कैसे कैसे चेंजेस हुए और किस प्रकार से डेमोक्रेसी आई. पहले हमारे भी कंट्री में कोई डेमोक्रेसी नहीं थी. तो आज हमें स्टडी करना है फ्रेंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसका पार्ट फर्स्ट. चलो चलते हैं. चलो फ्रेंड, उसमें से टॉपिक फर्स्ट आज हम देखेंगे द एंशियंट रिगिम एंड इट्स क्राइसिस, मतलब जूना साम्राज्य और उस साम्राज्य में किस प्रकार के क्राइसिस थे लोगों में. व्हाट इज द वर्ड मीन बाय क्राइसिस, प्रॉब्लम्स, किस प्रकार से प्रॉब्लम्स थे, ये सारा मेंशन यहाँ पे किया है. चलो देखते हैं रिविजन नोट्स में. ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 4th July 1789, अंडरलाइन करना ये डेट के नीचे, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है. मॉर्निंग था 14 जुलाई था 1789 में, द सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस में, पेरिस का आप फ्रेंच की एज कैपिटल है, वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म. पूरे पेरिस में सारे लोग एक जगह पे आ गए और सब लोगों ने एक ही अलार्म बजाया, मतलब सब लोगों का आवाज एक ही था. द किंग हैड कमांडेड द ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी रूमर्स एंड स्प्रेड दैट द किंग वुड सून ऑर्डर टू आर्मी टू ओपन द फायर अपॉन द सिटीजन. और फिर वहां पे वो किंग था वहां का, सब लोगों ने नारे लगाना चालू किया कि हमें मोनार्ची नहीं चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, ऐसे लोग नारे लगाने लग रहे थे. तो वहां पे ये बात किंग को पता चल गई, तो किंग ने वहां पे कुछ ट्रूप्स भेजे. ट्रूप्स मतलब समझता है, उसके सैन्य की 2-4 टुकड़िया भेज दी, जाओ वहां पे. और जो रूमर स्प्रेड हुई है, रूमर्स मतलब अफवाह जो स्प्रेड हो रही है, वो जरा स्टॉप करके आओ. और अफवाह ये थी कि ये जो किंग है ये सुन आर्मी सेंड कर रहा है और हमारे यहाँ पे फायर लगा रहा है और अपॉन द सिटीजन, और सारे सिटीजन को जला डाल रहा है. ऐसी रूमर स्प्रेड हो गई थी और उस रूमर्स के अगेंस्ट पेरिस में सारे लोग इकट्ठा आए थे. सुन 7,000 मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल. पूरा आगे एक टाउन हॉल था, टाउन हॉल के सामने 7,000 लोग जमे थे. इमेजिन कीजिए फ्रेंड, उस जमाने में 7,000 पीपल जमा होना, यानी ट्रेमेंडस भीड़ थी. एंड हैड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया, मतलब सब लोगों का एक ही ओपिनियन था, लोगों का राज्य. मिलिशिया का मतलब होता है साम्राज्य, मतलब यहाँ पे कोई किंगशिप नहीं ऐसा. दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स एंड बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स. फिर लोगों ने क्या किया, जो जो भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी वो सारी क्या करना चालू कर दिया, ब्रोक करना चालू कर दिया, ब्रेक करना चालू कर दिया, मतलब जो जो किंग की थी वो सारी तोड़ना चालू कर दिया. मतलब सारे लोग अगेंस्ट द किंग हो गए. किसके अगेंस्ट हो गए, अगेंस्ट द किंग. ये था पहला रिवॉल्यूशन, मतलब किस प्रकार से लोगों के मन में रिगार्डिंग द किंग ये भावनाएं जागृत हुई और लोग किंग के अगेंस्ट जाने लगे. ऐसा क्यों हुआ था, तो किंग ने कुछ क्या बनाया था, क्या लगाया था, एक्सेस द टैक्सेस वगैरह बढ़ाए थे, एंड दैट्स व्हाई लोगों ने ऐसा किया था. चलो नेक्स्ट. फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्चड टुवर्ड्स द एंशियंट पार्ट ऑफ द सिटी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी. शहर के ईस्टर्न पार्ट में हजारों लोग, सैकड़ों लोग का मोर्चा लेके आ गए. मार्च मतलब राइट डाउन, मोर्चा लेके आना. और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म फोर्सली प्रिजन्स, और सारे लोग जो प्रिजन में जो रखते थे, कहाँ पे था वो, बेस्टाइल में, जहाँ पे लोगों को रखा था वहां पे सारे लोग आ रहे थे. वेयर दे होप टू फाइंड द हॉर्डेड एनिमिनेशन,
मतलब सब लोगों ने झंडे वगैरह दिखाए और अगेंस्ट द नारे लगाए अगेंस्ट द किंग इन द आर्म एंड फाइट दैट फॉलोड एंड द कमांडर ऑफ द बेस्टल वॉज किल्ड। और वहां पे जो कमांडर था बेस्टल का उसको लोगों ने क्या कर डाला, मार डाला। एंड द प्रिजनर रिलीज्ड, और जितने भी प्रिजनर मतलब जितने भी लोगों को वहां पे क्या किया था, कैद किया था, सारे कैद किए हुए लोगों को छुड़वा दिया गया। किसने? लोगों ने, मतलब जो जो राजा के अगेंस्ट गए थे उनको राजा ने प्रिजन में डाला था। तो अब सब लोग इकट्ठा आ गए और राजा के अगेंस्ट आवाज लगाने लगे। और जो बेस्टाइल का जो कमांडर था, बेस्टाइल मतलब नेम ऑफ द प्लेस, फ्रेंच में एक प्लेस है जहां पे उन्होंने बहुत बड़ा जेल बनाया था, प्रिजन बनाया था लोगों को पुटअप करने के लिए, और उसके ऊपर एक कमांडर रखा था। अब लोगों ने उसके ऊपर ही इन्वेंट कर डाला और उसको मार डाला और सारे लोगों को लॉक वगैरह ओपन करके सारे प्रिजनर को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया गया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था फ्रेंड फ्रेंच लोगों के लिए, यानी अगेंस्ट द किंग। ये पहली ऐसी कार्रवाई थी कि लोग अगेंस्ट द किंग गए। नहीं तो अब तक किसी भी आदमी में क्या नहीं था, कोई हिम्मत नहीं थी अगेंस्ट द किंग जाने की, क्योंकि किंग उनको जेल में डाल देता था या मार डालता था। द डे दैट फॉलोड सॉ मोर एंड राइटिंग बोथ अप इन द पेरिस। पेरिस में इस प्रकार से बहुत राइटिंग हुआ। राइटिंग का मतलब होता है बहुत झगड़े वगैरह होना, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, कंफ्यूजन होना। एंड द कंट्री साइड मोस्ट पीपल वे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइजेस ऑफ ब्रेड। सारे लोग तंग आ चुके थे। किससे तंग आ चुके थे? तो राजा से तंग आ चुके थे। क्यों तंग आ चुके थे? तो राजा ने सारे पहले से ही तो क्या हुआ था, वहां पे राजा ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे। ड्यू टू द टैक्सेस क्या हुआ था, पहले से ही तो फूड की स्कारसिटी हुई थी और फूड के प्राइस भी क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। कॉमन पीपल कैन नॉट अफोर्ड द ब्रेड, और सर्व सामान्य जनता क्या नहीं कर सकती थी, ब्रेड को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। गरीब लोगों को बहुत प्रॉब्लम आते थे, दैट्स व्हाई लोगों ने आवाज उठाना चालू कर दिया था। एक्चुअली इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एक्सक्लूजन ऑफ द किंग इन फ्रांस। इसलिए कुछ लोगों को एक्सक्यूजन मांग रहे थे कि हमें एक्सक्यूज कीजिए, हमें थोड़ा सा भी फूड वगैरह दीजिए, फूड के प्राइसेस क्या कीजिए, कम कीजिए। तो मोस्ट ऑफ द पीपल एट दैट टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट ऑफ दिस आउटकम। बट राजा को भी ऐसे नहीं लगा था या लोगों को भी ऐसे नहीं लगा था कि इतने लोग उसके अगेंस्ट जाएंगे। ये एंटिसिपेट नहीं थे, एंटिसिपेट मतलब अपेक्षा नहीं थी बराबर कि चलो भाई इतने संख्या से लोग उनके अगेंस्ट जाएंगे, ऐसा किसी को भी नहीं लगता था। लेकिन लोग फिर भी उनके क्या गए, अगेंस्ट गए। चलो देखते नेक्स्ट। अभी फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18 सेंचुरी, फिर क्या किया फ्रेंच सोसाइटी ने लेट 18 सेंचुरी में। इन तो एक क्वेश्चन आएगा फ्रेंड, व्हाट डू द फ्रेंच सोसाइटी डू ड्यूरिंग द लेट 18 सेंचुरी। लेट 18 सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी ने क्या क्या हुआ और क्या क्या किया। पहली बात, इन 1774 में लुईस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ द किंग्स एसेंडेड द थ्रोन इन फ्रांस। सबसे पहला इवेंट है ये। 1774 में लुईस 16 नाम का बर्बन फैमिली का एक पहला एकलौता वारिस वारिस वो किंग बन के वहां पे थ्रोन गद्दी पे बैठा था। ये पहला इवेंट। और जैसे लुईस 16 बैठा तो पहले फ्रेंच के ऊपर ट्रिमेंडस क्या हो चुका था, लोन हो चुका था। तो ट्रिमेंडस वो ट्रेटी ऑफ वर्सालिस वगैरह कर हुआ था, तो उसकी वजह से प्राइजेस क्या हुए थे, बढ़े थे। तो ये वो ट्रेटी ऑफ वियतनाम वगैरह करने के लिए या वर्सालिस करने के लिए तो उन्होंने क्या किया था, तो ट्रेटी ऑफ फ्रांस किया था। तो ऑब्वियसली उनको मेंटेन करने के लिए पैसे की बहुत जरूरत थी, एंड दैट्स व्हाई उसने टैक्सेस क्या कर दिए थे, बढ़ा दिए थे। फूड के प्राइजेस उसके, और वहां पे फूड स्कार्सिटी हुई थी, उसके वजह से गरीब पीपल कैन नॉट अफोर्ड द फूड बराबर। तो लोग क्या हुए थे, अगेंस्ट द इस लुईस 16 के अगेंस्ट गए। और वहां पे और एक बात थी, क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का क्लासिफिकेशन था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट बराबर, ऐसा भी क्लासिफिकेशन था। और सिर्फ इनकम टैक्स भरे तो कौन सी, थर्ड स्टेट वाले, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को बिल्कुल भी कुछ भरने की क्या नहीं थी, जरूरत नहीं थी। तो ये कहीं तो भी एक अन्याय, अनजस्ट पीपल के साथ हो रहा था, एंड दैट्स व्हाट टू स्टॉप द अनजस्ट। ये अनजस्ट रुकाने के लिए लोगों ने आक्रमण किए थे, समझ में आया। सेकंड, कॉजेस फॉर एन एम्प्टी ट्रेजरी ऑफ फ्रांस अंडर द लुईस 16।
जैसा लुई 16 वहां पे बैठा तो उनका देखो फ्रेंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेस क्या है, आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एकदम आईएमपी क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए लिखी लो, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, उसके कॉजेस क्या थे। तो पहला कॉज था एम्प्टी ट्रेजरी, जैसे लुई 16 बैठा ना बैठा एम्प्टी ट्रेजरी हुआ, क्यों हुआ एम्प्टी ट्रेजरी, तो उसके रीजन है लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। देखो फ्रेंड पहली बार तो लंबा क्या चला, वार चला, लंबा वार की वजह से क्या हुआ, यूरोप में वार चले थे, लंबा वार चलने की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके थे, और पहले बात फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब लोगों के पास पैसा नहीं, पहला प्रॉब्लम। दूसरे प्रॉब्लम ड्रॉट हुआ वार की वजह से, फूड वगैरह नहीं अच्छा हुआ, मतलब फसल अच्छी नहीं हुई, मतलब फूड स्कार्सिटी हुई बराबर, और फूड स्कार्सिटी होने की वजह से प्राइजेस क्या हो गए, इंक्रीज, फूड प्राइजेस इंक्रीज हो गए, इसके वजह से स्टार्वेशन होने लगा, इसके वजह से गरीब जनता मरने लगी, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम क्या होने लगे, क्रिएट होने लगे। तो पहला प्रॉब्लम वार हुआ और वार की वजह से बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रा वैगन कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ द वर्सेलीज। तो फ्रेंड दूसरी बात, ये जो राजा था इसने उसका कोर्ट मतलब उसका पैलेस मेंटेन किया था, अब मेंटेन करने के लिए ट्रिमेंडस पैसा लगा था, हाई कॉस्ट उसमें चला गया था, अब इतना बड़ा पैराडाइज बनाने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन उसने बहुत बड़ा पैलेस बना लिया और इससे क्या हुआ, उसको बहुत कॉस्ट लगी और ये कॉस्ट वसूल करने के लिए उन्होंने लोगों के और टैक्सेस बढ़ा दिए, दैट्स व्हाई लोग एंग्री हुए, दैट्स व्हाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। समझ में आया सबको, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है। द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेलीज, तो वर्सेलीज का जो पैलेस है उन्होंने बहुत बड़ा पैलेस बना लिया बराबर, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, ये मेन प्रॉब्लम है फाइनेंशियल क्राइसिस होने का। नेक्स्ट, अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ऑफ ब्रिटेन बराबर। उससे और एक बात, पहले से ही तो लुई 16 के पास क्या नहीं, पैसे नहीं, आधे से ज्यादा पैसा तो कोर्ट मेंटेनिंग या पैलेस मेंटेनिंग में चला गया, और कुछ पैसा बचा कुचा उन्होंने और हेल्प किसकी की, अमेरिकन कॉलोनी को 13 अमेरिकन कॉलोनीज को मिलाने के लिए, यानी इंडिपेंडेंट मिलाने के लिए, कहां से कॉमन एनिमी था उनका ब्रिटेन, ब्रिटेन से हेल्प किया, ब्रिटेन ने जब उनको उनके ऊपर वार किए थे तो अमेरिका को फ्री करने के लिए या उनकी कॉलोनीज को फ्री करने के लिए इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए वहां पे भी पैसा अमेरिका को दिया, किसने, लुई 16। इतना बड़ा प्रॉब्लम है, पहले तो उसका उसका कोर्ट बनाया, मेंटेन किया, पैलेस वर्सेलीज पैलेस बढ़ाया, उसके वजह से पैसा ज्यादा से आधे से ज्यादा गया, वार हुआ उसके वजह से आधे से ज्यादा गया, ऊपर से अमेरिकन कॉलोनीज को रिगेन और देयर इंडिपेंडेंस मिलाने के लिए अगेंस्ट ब्रिटेन जाके फ्रांस ने लुइस ने उनको पैसे दिए और पैसा चला गया। द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लिवरे टू योर डेब्ट। फिर क्या हुआ, वार की वजह से उनके ऊपर 2 बिलियन लिवरे, लिवरे मतलब उनका करेंसी है फ्रेंच, वो डेब्ट हुआ, डेब्ट मतलब क्या, कर्जा हुआ, दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरे बराबर, 1 बिलियन लिवरे कर्जा लिया था लेकिन ब्याज सहित 2 बिलियन लिवरे उनका कर्जा हुआ था। अभी इतना पैसा लुई 16 के पास नहीं था, पहले से तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वार की वजह से प्रॉब्लम, मेंटेन किया उसकी वजह से प्रॉब्लम, अमेरिका को पैसे दे उसके वजह से प्रॉब्लम, प्रॉब्लम प्रॉब्लम में उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो दूसरे कंट्रियों से, दूसरे स्टेट से उन्होंने क्या लिए थे, कुछ पैसे उधार लिए एज अ कर्जा, डेप्ट 1 बिलियन लिवरे लिया लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के 2 बिलियन लिवरे। लेंडर्स हु गेव टू द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर वो लोन दे नहीं सका और लोन जब पे नहीं हुआ तो उसने और 10% उसके ऊपर क्या लगा दिया, लोन के इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट लगा दिया। उससे क्या हुआ, पैसों का प्रॉब्लम, पैसों की मारा, और फिर फ्रेंड मेन प्रॉब्लम फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, राजा के अगेंस्ट लोग भड़क गए और राजा ने क्या किया, ये सब मेंटेन करने के लिए, पैसा आने के लिए लोगों के प्राइजेस बढ़ा दिए, लोगों को टैक्स बढ़ा दिए, और टैक्स पे करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे तो उनको हरेस भी करने लगे,
बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स कार से भी हुए। ये रीजन था फ्रेंड्स, सब लोग अगेंस्ट द लुईस 16 गए और उन्होंने बोला कि हमें मोनार्ची नहीं चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बोलते अपन डेमोक्रेसी चाहिए। ऐसे लोगों की डिमांड होने लगी। समझ में आया? नेक्स्ट, फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू द थ्री स्टेट। देखो फ्रेंड, फ्रेंच सोसाइटी लुईस 16 ने कितने स्टेट में डिवाइड की? तीन में। आपको क्वेश्चन आएगा हाउ एंड व्हेन द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड। हाउ एंड व्हेन मतलब कब हुई और कैसे हुई। तो ये क्वेश्चन एकदम आईएमपी लिख लो, 5 मार्क के लिए नहीं तो 3 मार्क के लिए जरूर आएगा। पहला, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, ये 5 मार्क के लिए आएगा। लुईस 16 कब बैठा, ये एमसीक्यू में आएगा, मैंने बोला आपको। अब ध्यान में देना है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू द थ्री स्टेट में उसका डिवाइडेशन हुआ। एंड ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट पेड द टैक्सेस। और ऊपर से उसने और एक काम किया, टैक्सेस भरने के लिए सिर्फ थर्ड स्टेट ही टैक्स भरेंगे, फर्स्ट और सेकंड देंगे नहीं। देखते हैं क्या है, कैसे। चलो पहला पॉइंट, द मेंबर ऑफ द फर्स्ट स्टेट दैट वाज अ क्लर्जी, सिर्फ क्लर्जी लोग फर्स्ट स्टेट के मेंबर बने। एंजॉय सर्टन प्रिविलेज बाय बर्थ, उनको यानी जो क्लर्जी का मतलब समझता है फ्रेंड, क्लर्जी का मतलब जो चर्च में काम करते थे उन लोगों को, चर्च में काम करने की वजह से उनको ट्रिमेंडस फायदे थे, बेनिफिट थे। काम धाम कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ चर्च में बैठना है, लोग जो पैसे डोनेट करेंगे उसको बराबर लेना है, बराबर। तो इस प्रकार से क्लर्जी लोग थे फर्स्ट स्टेट में, उनको कोई भी चार्जेस नहीं। और भगवान ने उनको सही में एंजॉय द सर्टन प्रिविलेज बाय बर्थ, उनको बाय बर्थ ही बहुत सारे एडवांटेजेस किसने दे दिए थे, लुईस 16 ने दिए थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वॉज एग्जम्पशन फ्रॉम द पेइंग द टैक्सेस टू द स्टेट, उनको सारे टैक्सेस में से एग्जम्पशन दे दिया गया। व्हाट इज बाय एग्जम्पशन सूट, यानी उनको टैक्सेस भरने की जरूरत नहीं। ये हुआ पहली स्टेट, फर्स्ट स्टेट। अब देखेंगे मेंबर ऑफ द सेकंड स्टेट, वेयर द नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब ऐसे लोग जो राजा के दरबार में काम करते हैं उनको बोलते हैं नोबिलिटी। दे एंजॉय द फ्यूडल प्रिविलेज बाय बर्थ, उनको भी बाय बर्थ ही बहुत ज्यादा क्या मिले थे, एडवांटेज मिले थे। दे इंक्लूड द फ्यूडल ड्यूज एंड व्हिच दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट, यानी ये लोगों के पास ट्रिमेंडस रीच थे लोग, क्योंकि राजा के दरबार में काम करते थे, राजा की बात सुनते थे, उनके पास क्या था, बहुत ज्यादा पैसा था। क्या था? पैसा था। वो उनके पास जमीन जुमला भी बहुत था, फिर इनके पास जमीन लैंडलॉर्ड से, एक्चुअली इन्होंने उनकी जमीन पीजंट को कसने के लिए दी थी, ओके। और पीजंट से ये लोग क्या करते थे, पैसा वसूल करते थे एंड टैक्सेस। बट सेकंड स्टेट को टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं, दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड, दे वेर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस, वो भी क्या थे, एग्जेम्प्टेड थे, मतलब उनको भी छूट था। समझ में आया? अब रह गया थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट मतलब ऐसे लोग की जैसे तुम और मैं। तो थर्ड स्टेट कंप्राइज ऑफ पीजेंट, आर्टिसन, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट, लॉयर, डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ट्रेडर्स एटसेट्रा, मतलब बाकी के सब पूरे, मतलब जो सिर्फ काय में काम करते थे, चर्च में काम करने वाले लोगों को नहीं, जो लोग राजा और राजा के घर में काम करने वाले लोग उनको भी नहीं, यानी रिच लोगों को टैक्स नहीं। और जो लोग तुम्हारे मेरे जैसे कॉमन थे उन लोगों को ट्रिमेंडस टैक्स, पहले से तो उनके पास पैसे नहीं और फिर भी ऊपर से क्या भरना पड़ रहा था, टैक्स, बराबर। दे हैड टू पे ऑल द टैक्सेस टू द स्टेट। फ्रेंड, इन लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी, आपको पता है, फर्स्ट स्टेट वाले ज्यादा से ज्यादा लोग 20% थे, सेकंड स्टेट में 20% थे, लेकिन 60% जनता थर्ड स्टेट में थी। ऑब्वियसली जान पर आ गई इन लोगों की, उन लोगों ने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। समझ में आया? ये टेंटेटिवली बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट, पीजेंट मेड अप अबाउट 90% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और ज्यादा से ज्यादा लोग पीजेंट थे, 90% पॉपुलेशन तो पीजेंट। हाउएवर ओनली द स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड, और पहले से ही पीजेंट के पास 1 एकड़ ऑफ लैंड भी नहीं, लैंड स्मॉल नंबर ऑफ लोगों के पास लैंड,
लैंड किसके पास? नोबल्स, क्लर्जी, उन लोगों के पास। लैंडलॉर्ड्स को उनकी लैंड कसने के लिए किसको देते थे? पिजेंट को, और ऊपर से टैक्स भी कौन देंगे? तो पिजेंट। ये बहुत बात नाइंसाफी थी, और नाइंसाफी जब होती है फ्रेंड तो कहीं तो भी आवाज उठता है। कुछ दिन नहीं उठेगा, बट उठेगा तो जरूर। और फिर एक दिन रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द प्रेजेंट वेयर एबॉलिश ऑब्लिज टू रेंडर द सर्विसेज टू द लॉर्ड एंड वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड एंड सर्व इन द आर्मी टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स। बापरे, प्रेजेंट को क्या क्या किया? उनको डायरेक्टली राजा ने कुछ काम करने को बोला। बोला देखो क्या क्या, ऑब्लिज मतलब आज्ञा पालन करना, तो रेंडर द सर्विस ऑफ लॉर्ड मतलब तुमने हमारे राज्य में क्या करना, सर्विसेज करना, नहीं तो वर्किंग इन आवर हाउस हमारे घर में काम करना, नहीं तो हमारे खेत में काम करना, नहीं तो आर्मी देश की सेवा करने के लिए आर्मी में ज्वाइन होना। बराबर, ऐसे काम किसने किसको दिए? राजा ने लोगों को दिए, पीजेंट को दिए। ऑब्वियसली पीजेंट पहले से ही तो परेशान है टैक्स भर भर के। दूसरी बात, खेती में से कुछ भी अनाज नहीं, जो भी निकलता है वो राजा को देना पड़ता है, ऊपर से टैक्स देना पड़ता है। तो ये बात कही तो भी खटक गई, एंड दैट्स व्हाई पीजेंट ने उठाव किया। ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे द टैक्सेस टू स्टेट इंक्लूडिंग अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड द टैली एंड द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच आर लिव्ड एज अ आर्टिकल ऑफ एवरीडे एंड कंजम्पशन लाइक अ सॉल्ट और टोबैको। देखो, थर्ड स्टेट के लोगों को डायरेक्ट क्या भरना पड़ता था? डायरेक्ट टैक्स भरना पड़ता उसको उस जमाने में क्या बोलते थे? टैली। एंड द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरे भी कुछ टैक्सेस थे काय काय के ऊपर? कंजम्पशन के ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर लाइक अ सॉल्ट, मतलब जो सॉल्ट नेसेसरी था कॉमन लोगों के लिए उसके ऊपर भी टैक्स, और जो टोबैको जो गरीब जनता ज्यादा से ज्यादा ईटअप करती है, जो पीजेंट ईट कर रहे हैं बराबर, उनके भी ऊपर ट्रिमेंडस टैक्स लगा दिए। तो ये रीजन है फ्रेंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसलिए एंगर बढ़ा और एंगर की वजह से रिवॉल्यूशन। ओके, समझ में आया अभी तक? नेक्स्ट, अभी स्ट्रगल टू सर्वाइव। अभी पहले से तो पैसे नहीं, दूसरी बात फूड नहीं, तीसरी बात वर्क नहीं, चौथी बात वार के ऊपर वार, ये सब हरेश हो गई जनता। और लोगों को जिंदगी कैसे जिए यही बहुत बड़ा क्या था, क्वेश्चन था। इसलिए सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल मतलब झटना, काय के लिए? झगड़ना, सर्वाइव के लिए। सर्वाइव मतलब राइट डाउन, जीवित रहने के लिए, बराबर, जीवित रहने के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे थे बराबर। कैसे, क्या आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल द पीपल डू टू सर्वाइव, किस प्रकार से लोग स्ट्रगल कर रहे थे सर्वाइव करने के लिए इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन समय में, एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस लीड टू द रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन। पहली बात तो वार हुए, वार की वजह से पूरे खेत में जो अनाज था वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। उसके वजह से, वार की वजह से और एक प्रॉब्लम, पॉपुलेशन क्या हो रही थी इधर यूरोप में? बढ़ रही थी। उसकी वजह से फ्रेंच में बढ़ रही थी, उसकी वजह से क्या हुआ फ्रेंड? डिमांड बढ़ने लगी फूड की, लेकिन फूड की स्कार्सिटी हो रही थी, बट द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन कुड नॉट कीप अ पेस विद द डिमांड। जितना पॉपुलेशन बढ़ रही थी उतना ही वही फ्लो से फूड भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन फूड नहीं बढ़ रहा था। डिमांड बढ़ रही थी, पीपल बढ़ रहे थे, लेकिन ग्रेन का जो प्रोडक्शन था वो कम हो रहा था। एंड सो एक काम हुआ, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ब्रेड नहीं, यानी प्राइस, यदि फूड नहीं बढ़ा तो प्राइस फूड की क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और इसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ने लगी ब्रेड की। तो पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड द ब्रेड, गरीब जनता के पास पैसा नहीं था क्या करने के लिए? रोटी खरीदने के लिए, अनाज खरीदने के लिए। वेजेस ऑफ द वर्कर डिड नॉट कीप अ पेस विद द राइज ऑफ द प्राइजेस, लोगों के पास पहले से ही तो काम नहीं, ओके थोड़े बहुत काम थे, तो जो पैसे मिलते थे वो पैसों से वो इतनी प्राइस हाई थी फूड की कि फूड वो क्या नहीं कर सकते है, अफोर्ड नहीं कर सकते, परचेस नहीं कर सकते। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन, इसकी वजह से जो गरीब और रिच जनता थी उनके बीच का जो गैप था वो क्या हो गया? ट्रिमेंडस बढ़ गया। थिंग्स बिकम वर्स, फिर और वर्स हो गई कंडीशन। व्हेनेवर द ड्रॉट और द हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, ऊपर से वहां पे क्या हुआ रे? ड्रॉट हुआ पहली बात, यानी क्या हुआ? अकाल, सूखा हुआ। दूसरी बात हेल हुआ,
अभी हेल फॉल मतलब समझता कह रहे, यानी स्नोफॉल, उसकी वजह से जो हार्वेस्ट था वो टोटल हार्वेस्ट मतलब हंगाम क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस मतलब कम होना। दिस लीड टू द सबसिस्टेंस ऑफ क्राइसिस, उसकी वजह से रिच और पुअर लोगों में क्या होने लगे, क्राइसिस होने लगे। क्राइसिस का मतलब झगड़े, समथिंग दैट ऑक्यर्ड फ्रिक्वेंटली इन द फ्रांस, और ये फ्रांस में क्या होने लगा, फ्रिक्वेंटली होने लगा। उसकी वजह से लोगों को सर्वाइव करने के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़े ड्यूरिंग द ओल्ड रिगिम। ये था फ्रेंड ओल्ड जमाना का फ्रांस का, समझ में आया। ये भी बहुत बड़े रीजन है फ्रेंड, काय के वजह से, क्राइसिस और रिवॉल्यूशन, समझ में आया। नेक्स्ट, अ ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास इनविजेजेस एंड एंड टू द प्रिविलेजेस, बराबर। अभी फॉर एग्जांपल फिर क्या हुआ रे, ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास लोग एनवी लगने लगा। एनवी मतलब राइट डाउन हेवा लगना, मत्सर लगना। उनको द्वेष पैदा हुआ उनके जो मिडिल क्लास फैमिली थी मतलब थर्ड स्टेट वाले लोग, उनको एक एनवी, एक मत्सर हेवा लगने लगा किन लोगों का, जो रिच नोबल एंड क्लर्जी लोगों का। और फिर उन लोगों के बीच में एक वैली बन गई, और वैली बनने की वजह से एक दूसरे में क्राइसिस होने लगे और लोगों को वार होने लगे, बराबर। तो सिविल वार बोलते उसको, सिविल वार होने लगे। तो इस प्रकार से उन्हीं उन्हीं स्टेट में क्या होने लगे फ्रेंड, वार होने लगे, वारों का रीजन बन गया। तो कैसे हुआ, क्यों हुआ? द 18 सेंचुरी विटनेस द एमर्जेंस ऑफ द सोशल ग्रुप्स, समाज में 18 सेंचुरी में समाज ग्रुप बनने लगे, टर्म ऑफ द मिडिल क्लास। और कौन सी टर्म आई, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कौन सा, थर्ड स्टेट वाले लोग। दे अर्न देयर वेल्थ थ्रू द एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स सच एज द वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल दैट वेयर आइदर एक्सपोर्टेड और बॉट बाय द रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। देखो फ्रेंड, ये जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास काम काम करते थे, एक तो खेती में काम करते थे, या तो ट्रेड का काम करते थे, या तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, बराबर। कुछ तो भी घर के घर वुलन वगैरह बनाते थे, या सिल्क टेक्सटाइल में काम करते थे। वेयर आइदर एक्सपोर्टेड, और फिर वो उनका माल क्या करते थे, वो रिच लोग लेते थे और एक्सपोर्ट करते थे, और बॉट देम बाय द रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और ये माल सिर्फ उनका कौन लेते थे, सिर्फ जो रिच थे वही लेते थे, गरीब आदमी कैन नॉट अफोर्ड इट। गरीब आदमी सिल्क टेक्सटाइल वगैरह क्या नहीं कर सकते, या वुलन के कपड़े क्या नहीं कर सकता था, अफोर्ड नहीं कर सकता था। क्यों नहीं, उसके पास क्या नहीं था, पैसा नहीं था, लैक ऑफ मनी था। द मेंबर ऑफ द मिडिल क्लास वेयर एजुकेटेड, फिर कुछ लोग मिडिल क्लास के एजुकेटेड बनने लगे। अभी मिडिल क्लास मतलब क्या, किसको बोला मिडिल क्लास पहले, ये बात मैं आपको बता देता। मिडिल क्लास मतलब जो थर्ड स्टेट में से जिनके बच्चे एजुकेटेड हुए। देखो थर्ड स्टेट के कुछ लोग थे, उनके बच्चे क्या करने लगे, देखो वो 18 सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन ओपन हुआ यूरोप में, उसकी वजह से इंडस्ट्री में काम करने के लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ने लगी, एजुकेटेड लेबर की जरूरत पड़ने लगी। तो फिर वहां पे स्कूलें वगैरह ओपन हुआ, फ्री स्कूलों में कौन से बच्चे जाने लगे, तो स्कूलों में थर्ड स्टेट वालों के कुछ बच्चे जाने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद में वो बच्चे क्या करे, लिटरेट हुए। लिटरेट होने के बाद में उनको कंपनियों में या किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, इंडस्ट्री में उनको क्या मिलने लगा, काम मिलने लगा। फिर उनके पास भी थोड़ा बहुत पैसा आने लगा, और ड्यू टू द एजुकेशन, और ये एजुकेशन की वजह से वो टैलेंटेड बन गए, और उनको समझने लगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बराबर। तो द क्लास वेयर एजुकेटेड, ये एजुकेटेड क्लास था, और इन्हीं में से कुछ बच्चे इतने एक्टिव बने कि उन्होंने ही रिवॉल्यूशन किया। तब तक किसी के माइंड में रिवॉल्यूशन नहीं आया था। ये है मिडिल क्लास, समझ में आया, उसको बोलते हैं ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास। अब बोलेंगे व्हाट इज मीन बाय मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास मतलब द थर्ड स्टेट में से जो एजुकेटेड बच्चे हुए, पैदा हुए, वो जो एजुकेशन लिया इंडस्ट्री में काम करने के लिए, वही बच्चों ने कुछ आवाज उठाया, उनको बोलते हैं मिडिल क्लास। ओके, द मेंबर ऑफ द मिडिल क्लास वेयर एजुकेटेड, वो एजुकेटेड थे एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। उन्होंने फिर क्या लगाया, दिमाग लगाना चालू करते। तब तक लोगों को कुछ दिमाग नहीं था, और दिमाग भी लगाने नहीं थे क्योंकि एजुकेशन नहीं था। फिर अब लोगों को लगने लगा कि नहीं, कोई भी बाय बर्थ क्या नहीं लेके आता, भाग्य नहीं लेके आता, या कोई अपने बाय बर्थ कोई रिच नहीं होता, हर एक ने वो कष्ट करने चाहिए, ऐसा उनको लगता था। रैदर अ पर्सन इन द सोशल पोजिशन मस्ट बी डिपेंड ऑन इट्स मेरिट, उनको लगने लगा कि किसी को भी कुछ भी पोजिशन मिले तो उसके मेरिट से मिले, मेरिट्स मतलब इसके क्वालिटी से मिले, ना कि बल्कि किसी क्लर्जी का लड़का है तो वो भी क्लर्जी, राजा का लड़का है तो वो भी राजा, ऐसा नहीं है। जिसके पास द पर्सन हुआ क्वालिटी, द पर्सन में भी द किंग। इस प्रकार के थॉट्स इमर्ज
इन द माइंड ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली। इस प्रकार के सोच विचार मिडिल क्लास फैमिलियों में आने लगे। नेक्स्ट, फिर क्या हुआ, ये जो आइडिया उनके मन में आई, द आइडिया वॉज एनविसेजिंग द सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ। फिर उनके मन में पहली आइडिया आई, ये जो समाज है ना, समाज को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। दूसरी बात, इक्वल लॉ, लॉ के सामने सब क्या होनी चाहिए, इक्वल। अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वेर पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसोफर सच एज जॉन लॉके एंड जॉन जैक्विज एंड रोजियो। तो बहुत सारे फिलोसोफर भी पैदा हुए, यानी फिलोसोफर कौन नहीं है, तो मिडिल क्लास के बच्चे, मतलब जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनके बच्चे, कुछ उनमें फिलोसोफर बने। कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कि नहीं, सबको फ्रीडम चाहिए, कोई किसी के अंडर काम नहीं करेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, लॉ सबके लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों ने दिमाग लगाना चाहिए। वैसे हमारे इंडिया में भी महात्मा गांधी एक बहुत बड़े फिलोसोफर बने थे और लोगों को गाइडलाइन कर रहे थे, तो उसी प्रकार से उस जमाने में वहां पे भी फ्रेंच में भी हुए, जिनका नाम, दो नाम यहाँ पे दिए है, एक जॉन लॉके और दूसरा है जीन जैक्विज रोजियो, ध्यान में रखना है। आपको क्वेश्चन आएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पहला एक ग्रेट फिलोसोफर कौन हुआ जिसका नाम बताओ, तो ये रोजियो का नाम जरूर बता देना, जीन जैक्विज रोजियो एंड जॉन लॉके। इन दिस टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट लॉके सॉट टू रिफ्यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट द राइट टू द मोनार्च। फिर कुछ ट्रीटी, मतलब दोनों एक ट्रीटी हुए जर्मन गवर्नमेंट के, उसमें ऐसा डिसाइड हुआ, जो लॉके ने डिसाइड किया, सॉट टू रिफ्यूज टू द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन। फिर उन्होंने बताया कि मैं, जॉकी वाले ने इसने बताया कि मैं मोनार्ची के अगेंस्ट हूं, मोनार्च कोई मोनार्च नहीं है, मतलब ये जो राजा वगैरह, ये जो तत्व प्रणाली है, डॉक्ट्रिन मतलब तत्व प्रणाली, हम उसके क्या है, अगेंस्ट है। कोई भी राजा बनेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बने, कॉन्स्टिट्यूशन राइट देंगे उसको और अकॉर्डिंग टू द राइट चले ना, उसके मन के ऊपर सब लोग चलेगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब देश चलेगा, ऐसा उनका ओपिनियन था, किसका, लॉके का। फिर रोजियो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, रोजियो ने वही आइडिया को थोड़ा सा और आगे स्वरूप दिया, एंड प्रोपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। रोजियो ने और एक मन में उसकी आइडिया आएगी कि नहीं ऐसा नहीं है, अपन और भी आगे जाएंगे, कैसा करेंगे, हम में से इलेक्शन होगा, हम में से कुछ टैलेंटेड टैलेंटेड लोग खड़े रहेंगे, हम में से इलेक्शन होगा और जो हम में से एक रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड होके आएगा वही हमारे ऊपर राज करेगा, या वो हमारा राजा बनेगा, लेकिन वो भी पब्लिक का राजा बनेगा, मतलब ही इज नॉट अ किंग बट ही इज अ सर्वेंट ऑफ ऑल, बट वो हमारा क्या रहेगा, सर्वेंट रहेगा, ऐसा थॉट्स रोजियो ने लाया। फिर लोगों के मन में इस प्रकार से थॉट इमर्ज होने लगे। इन द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू proposed a division of power within the government between the legislative, executive and judiciary. फिर और एक आदमी आया, मॉन्टेस्क्यू नाम था, उसने तो और एक प्रपोजल लाया कि चलो ऐसा गवर्नमेंट बनाएंगे कि जिसमें एक के हाथ में गवर्नमेंट नहीं रहेगा, मतलब पूरी पावर नहीं रहेगी, पावर शुड बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये मॉन्टेस्क्यू के थॉट थे। देखो फ्रेंड, आज भी हमारा डेमोक्रेसी मॉन्टेस्क्यू के विचारों पे है, बराबर, तो इतने अच्छे सोच उस जमाने में फ्रेंच लोगों के। नेक्स्ट, चलो कुछ टर्म्स है देखते हैं। पहला है बैस्टाइल, व्हाट इज मीन बाय बैस्टाइल, बैस्टाइल हमने वर्ड आया हमारे लिए, तो व्हाट इज मीन बाय बैस्टाइल, अ बैस्टाइल वाज अ फोर्ट्रेस इन पेरिस दैट वाज यूज्ड एज अ स्टेट प्रिजन बाय द किंग्स ऑफ फ्रांस। बैस्टाइल एक नेम है जहां पे पेरिस में है वो, जहां पे जो लोग कुछ तो भी बुरा काम करते थे अकॉर्डिंग टू द किंग, या किंग के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानते थे, उनको बैस्टाइल में पुटअप करता था कौन, राजा, प्रिजन में डाल देता था, तो एक प्रिजन स्टेट है वो, ओके, जिस एरिया में प्रिजन था। अभी बर्बन फैमिली मतलब क्या, ये राजा की फैमिली, कौन सी, लुई 16 की, मतलब उनके दादा परदादा सब फोर फादर्स ये बर्बन फैमिली में थे। इट इज द नेम ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच की रॉयल फैमिली है, इनका ओरिजिन, मेंबर ऑफ विच बिकम द रूलर ऑफ सेवरल यूरोपियन कंट्री, और बर्बन फैमिली से ही अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में बर्बन फैमिली के ही मेंबर राजा थे, मतलब फ्रेंच में भी बर्बन फैमिली से था, बराबर, सारे मतलब यूरोप के जितने भी स्टेट्स है वहां पे भी बर्बन, पोलैंड वगैरह वहां पे भी बर्बन फैमिली के ही राजा थे,
मतलब बर्बन फैमिली यूरोप में एक नंबर वन रॉयल फैमिली थी जो बहुत रिच थे। नेक्स्ट, अभी बोर्गेजी क्लास मतलब क्या? द सोशल क्लास दैट केम टू ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वॉज प्राइमरीली कंसर्न विद द प्रॉपर्टी वैल्यू। यानी ऐसा एक समाज का एक क्लास था या लोग थे जो प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो मॉडर्न प्रोडक्शन करते थे, मतलब कुछ तो भी क्या करना, रॉ मटेरियल लेना, इंडस्ट्री में क्या करना, उनको पुटअप करना, फिर उससे प्रोडक्ट बनाना और मार्केट में सेल करना। तो ये लोग, तो ये जो लोग थे फ्रेंड, ये उनको प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज प्राइमरीली कंसर्न ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, और ये लोग प्रॉपर्टी वैल्यू का काम करते थे, मतलब बहुत रिच थे लोग। ओके, चेतायु मतलब क्या? चटाई, द लार्ज फ्रेंच कंट्री हाउस और द स्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू द किंग और द नोबलमैन। चेतायु नाम का एक प्लेस है जहाँ पे फ्रेंच लोगों में से जो राजा लोग थे वो राज्य करते थे या उनका रेसिडेंशियल एरिया, उसको नाम दिया गया था चेतायु। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची मतलब क्या? मतलब सिर्फ नाम का मोनार्च लेकिन चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, बराबर। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द किंग और द किंग एक्ट एज अ हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन चलेगा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ओके, क्लर्जी किन लोगों को बोलते हैं? द ग्रुप ऑफ पर्सन वेस्टेड विद अ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, जो चर्च में कुछ तो भी काम करते थे, स्पेशल फंक्शन करते थे, उनको बोलते थे क्लर्जी लोग। नोबल लोग मैंने बोला आपको कि जो लोग कहाँ पे काम करते थे, राजा और राजा के इसमें काम करते थे, उनको बोलते थे नोबल पीपल। कॉन्वेंट मतलब क्या? द बिल्डिंग दैट बिलोंग्स टू द कम्युनिटी डिवोटेड एज अ रिलीजियस लाइफ, यानी धार्मिक काम के लिए बनाई हुई बिल्डिंग, उसको बोलते हैं कॉन्वेंट। समझ में आया? तो ये था फ्रेंड हमारा पार्ट फर्स्ट। रिगार्डिंग दिस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। ये था फ्रेंड पहला पार्ट हमारा, हाउ टू स्टार्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, किस प्रकार से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, उसके बिहाइंड क्या था, कितने क्लास से पहले बर्बन फैमिली कौन थी, बेस्टाइल क्या था, क्लर्जी लोग कौन थे, थर्ड स्टेट फर्स्ट स्टेट क्या था, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बिहाइंड व्हाट आर द रीजंस, ये सब हमने इस पार्ट में पढ़ा। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ओके, अपन नेक्स्ट पार्ट लेंगे फ्रेंड सेकंड डे। टिल देन बाय, सी यू।